नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पाविका फ्लूइड से इस चैनल को एक बार फिर से। तो आज मैं लेके आया आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट अवेटेड वीडियो, जो ऑलरेडी वीडियो ऑन डिमांड था कि सर ये जरूर लेके आएगा, दैट इज द हार्डी क्रॉस मेथड। पर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज ये आपसे बहुत बड़ी ऐसी रिक्वेस्ट कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं ऐसी एजुकेशन वीडियोस आपके लिए हमेशा हर पल लेके आता रहूं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप डॉक्टर आर के बंसल की बुक चाहे तो परचेज कर सकते हैं, जो मेरे हिसाब से सिंपल लूसिड लैंग्वेज में दी गई बुक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा हार्डी क्रॉस मेथड। तो आज हम जानेंगे हार्डी क्रॉस मेथड क्या है, उसमें क्या क्या इक्वेशंस हैं, कैसे डेल्टा क्यू फाइंड आउट किया जाता है, मींस द चेंज इन फ्लो रेट, और ये कैसे कैसे जीरो की तरफ अप्रोच होता है और एक्चुअल फ्लो रेट हमें नेटवर्क के थ्रू मिलता है। ठीक है, तो चलिए दिस इज योर हार्डी क्रॉस मेथड। आप जैसे कि देख रहे हैं यहां पर हमारे पास ट्राइंगुलर नेटवर्क है, जिन मींस पाइपलाइन है। देखिए यहां पे इस ट्राइंगुलर नेटवर्क में तीन पाइपलाइन आपको मिलेंगी, एक जो मैंने लगभग ब्लू कलर से शेड की हुई है, ठीक है, वो पाइपलाइन है बीसी, देन योर पाइपलाइन एबी, देन एसी। ये नेटवर्क को देखेंगे अगर आप इसमें तो कितनी टोटल पाइप्स हैं, ये रेक्टेंगुलर नेटवर्क है, 1 2 3 4 5 आप देख रहे हैं, एक पाइप कॉमन है एसी। तो आज हम न्यूमेरिकल नहीं करने वाले हैं, सबसे पहले ये तो देखेंगे कि हार्डी क्रॉस मेथड है क्या। तो हार्डी क्रॉस करके एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 1936 में नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए, नेटवर्क किसका, पाइपलाइन का, नेटवर्क मींस पाइप का जंजाल। अब आपने देखा होगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती हैं जहां पर मेन पाइपलाइन आती है, घरों में पानी सप्लाई किया जाता है, और बहुत सारे नेटवर्क्स में वो डिवाइड हो जाती है फाइनली छोटी छोटी पाइपलाइंस में, घरों तक आपके पानी पहुंचता है। वैसे ही आप देख सकते हैं कि अगर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं तो वहां पर पाइपलाइंस का बहुत अहम रोल, मीन्स पाइपलाइन बहुत अहम रोल प्ले करती है, क्योंकि कोई फ्लूइड आपका हीट लेके आ रहा है, कोई फ्लूइड हीट लेके जा रहा है, चिलिंग की पाइपलाइंस है, स्टीम की पाइपलाइंस, आपकी केमिकल्स की पाइपलाइंस है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी पाइपलाइन में कौन सा फ्लो रेट होगा, कितना फ्लो रेट होगा, ये सब बताया गया 1936 में हार्डी क्रॉस मेथड द्वारा। तो आज हम इसी का मेथड देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करेंगे, इसको समझने के लिए हम एक पाइपलाइन कंसिडर करते हैं। ओके, अब आपको मालूम है कि एक साइंटिस्ट रहे हैं, दैट इज योर डार्सी वाइसबैक, जिन्होंने हेड लॉस फाइंड आउट करने की एक इक्वेशन निकाली है, डार्सी वाइसबैक। ओके, अकॉर्डिंग टू डार्सी वाइसबैक की इक्वेशन, इनका नाम लिख देता हूं। ओके, सबसे पहले मैं लिखूंगा कि इसकी जो लंबाई है दैट इज योर एल, ओके, कॉमा इसका डाया डी है। ठीक है, ओके, तो मैं एक सेक्शन कंसिडर कर लेता हूं, सेक्शन वन एंड सेक्शन टू, क्लियर हो गया, सेक्शन वन एंड सेक्शन टू। तो इस सेक्शन वन से लेकर सेक्शन टू तक जितना हेड लॉस हुआ है, हेड लॉस को कन्वर्ट किया जा सकता है प्रेशर लॉस में, प्रेशर लॉस को कन्वर्ट किया जा सकता है हेड लॉस में। तो सेक्शन वन से सेक्शन टू के दरमियान जब फ्लूइड एंटर हुआ था सेक्शन वन से और चल के वो सेक्शन टू की तरफ आया, तो उस दौरान जो भी लॉस हुए घर्षण की वजह से, यानी कि फ्रिक्शन की वजह से, जिस लॉस को बोलते हैं मेजर लॉस भी कहा जाता है, उन्होंने एक इक्वेशन दी, दिस इज योर डार्सी वाइसबैक इक्वेशन। ओके, और बाय नेक्स्ट विद इन 2-3 वीडियोस में हम देखेंगे इसका न्यूमेरिकल भी। तो आज हम देखने वाले सिंपल हार्डी क्रॉस मेथड क्या है, उसकी कौन सी इक्वेशन है। तो डार्सी वाइसबैक उन्होंने क्या बोला था कि एक अगर पाइपलाइन के अक्रॉस सेक्शन वन से लेकर सेक्शन टू तक, ठीक है, कुछ लंबाई तक आप डिसाइड कर सकते हैं क्या लंबाई होनी चाहिए, क्या डाया होना चाहिए, तो वहां पर हेड लॉस फ्रिक्शन की वजह से दिया जा सकता है 4F एल वी स्क्वायर बाई 2 GD। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, F जो है कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है, कईयों को कंफ्यूजन रहती है, F फ्रिक्शन फैक्टर भी है, मगर इस में आपका F जो है कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है, L लंबाई है, जैसा कि मैं बता चुका हूं आप सेक्शन वन से सेक्शन टू के बीच में जो भी लंबाई होगी कंसिडर कर सकते हैं। V जो है आपकी एवरेज वेलोसिटी है, क्लियर हो गया, अक्रॉस अ सेक्शन, सेक्शन के अक्रॉस आपकी एवरेज वेलोसिटी। और याद रखिएगा अगर पाइपलाइन का डाया कांस्टेंट है तो कोई भी सेक्शन ले लीजिए इस दौरान सेक्शन वन से सेक्शन टू के बीच में, सपोज मैं बीच में भी अगर सेक्शन थ्री लेता हूं तो वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहेगी, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। डी इज योर डायमीटर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करूंगा, अब ये जो हेड लॉस की इक्वेशन है एक्चुअली किसके टर्म्स में, वेलोसिटी के टर्म्स में। तो मैं इस हेड लॉस की इक्वेशन को सबसे पहले तो फ्लो रेट के टर्म्स में लिख आऊंगा, क्योंकि आप देख रहे हैं नेटवर्क में कहीं पर भी और कोई पैरामीटर नहीं बताया हुआ है। ठीक है, 60 10 30 20 30 10 60 20, ये सारे फ्लो रेट्स हैं जिसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब पर सेकेंड
या फिर लीटर पर मिनट हो सकती है। ओके ओके, और ये जो दूसरी चीजें आप देख रहे हैं ए बी सी, ये पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स जिसको जंक्शन या नोड्स भी बोलते हैं, जहां पर पाइपलाइन आके मिलती है। ठीक है, तो यहां पर कौन सी पाइपलाइन आके मिल रही है बी पॉइंट पे? एक है आपकी बी सी पाइपलाइन और एक है ए बी। और ये जो मैंने रेड कलर से 90 लिखा हुआ है, यानी कि इस जंक्शन पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे या फिर इस पर्टिकुलर नोड पे 90 का फ्लो रेट एंटर कर रहा है, यहां पर इस नेटवर्क से सी पॉइंट से 50 का फ्लो रेट बाहर निकल रहा है, ए पॉइंट से 40 का फ्लो रेट बाहर निकल रहा है। फिलहाल हमने फ्लो रेट की कोई यूनिट देखे नहीं रखी, सेम एज आप यहां पे बता सकते हैं। ठीक है, और नेटवर्क कोई भी टाइप का हो सकता है, तो आपको कैसे सॉल्व करना है आज ही हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस वेलोसिटी को निकाल के, क्योंकि हमें हेड लॉस की इक्वेशन चाहिए थी फ्लो रेट के टर्म्स में, तो हम इस वेलोसिटी को कन्वर्ट करेंगे हम फ्लो रेट के हिसाब से। तो अब आपको मालूम है कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, क्यू इक्वल टू ए इंटू वी। ओके, तो यहां से मैं v की वैल्यू निकालूंगा, दिस इज q बाय a। अब ये वैल्यू मैं v की यहां पुट करूंगा, तो देयरफॉर ये जो हेड लॉस है आपका कुछ इस तरह का दिखेगा 4fl। अब v लिखा जा सकता है q बाय a, मगर यहां पे v स्क्वायर है, तो यहां पर आ जाएगा q स्क्वायर बाय a स्क्वायर। क्लियर हो गया? नीचे क्या था आपका 2gd। ओके, अब क्योंकि अब आपको मालूम है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, पाइपलाइन है जो आप देख रहे हैं, ये जो पाइपलाइन मैंने बनाई है, ये साइड व्यू है, लगभग कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, सपोज मैंने मेरे हाथ में जो पेपर है उसको मैंने रोल कर दिया, ये आप साइड व्यू देख रहे हैं। ओके, क्रॉस सेक्शनल व्यू वो दिखाना चाहता हूं, वो वाला एरिया जो फ्लूइड यूज करता है बहने के लिए। तो ये देखिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है जो खाली जगह दिख रही है आपको, ये सर्कल के तौर पे रिप्रेजेंट हो रही है, और सर्कल का एरिया क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर एरिया, ये क्या रहता है, दिस इज योर एरिया, दिस इज योर पाई, इसको मिटा देता हूं, दिस इज नॉट गुड। ओके, तो एरिया इज योर पाई आर स्क्वायर, मगर हमें लिखना है डायमीटर के टर्म्स में, तो एरिया इज योर, तो मैं यहां पे बता भी देता हूं, जिस एरिया को मैं शीट कर रहा हूं दैट इज योर क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो दिस इज पाई डी स्क्वायर बाय 4, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो एक काम करूंगा, मैं ए की जगह किससे रिप्लेस कर दूंगा, दिस इज योर 4fl³² 2gd, एरिया की जगह क्या लिखूंगा, पाई डी स्क्वायर बाय 4। अब आप देख लीजिए पाई, तो ये एरिया को लिखा जा सकता है पाई डी स्क्वायर बाय 4, मगर ऊपर ए स्क्वायर लिखा हुआ है, तो फिर ये जो पाई है वो भी पाई स्क्वायर हो जाएगा। ओके, डी स्क्वायर है ऑलरेडी, स्क्वायर आ रहा है, तो दिस विल बिकम डी रेज टू 4, और नीचे 4 है, इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा, तो 16 नीचे आएगा, तो 16 पलट के ऊपर चला जाएगा। क्लियर हो गया? ओके, राइट नाउ 2, 2 जा 4 कैंसिल कर दीजिए, सो देयरफॉर एचएफ जो हेड लॉस है इन टर्म्स ऑफ फ्लो रेट, देखिए 2 × 16 इज योर 32। ओके, एफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एल क्यू स्क्वायर, ओके, अपॉन जी, अब डी इंटू डी रेस टू 4, ये आ जाएगा आपका डी रेस टू 5, और बीच में है पाई रेस टू स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये थी हमारी हेड लॉस की इक्वेशन एक सिंगल पाइपलाइन के थ्रू। क्लियर हो गया? ओके, तो फिलहाल मैं ये मिटा देता हूं, और ये फाइनली जो इक्वेशन है मैं यहां लिख दूंगा, फाइनली दिस इज योर हेड लॉस फ्लो रेट के टर्म्स में, दिस इज 32, आप याद रख सकते हैं चाहे तो, एफ एल, अगर याद नहीं है तो एटलीस्ट पहले वाली इक्वेशन वेलोसिटी के टर्म्स में मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैं लिख लेता हूं, डिवाइड दिस इज जी, दिस इज पाई स्क्वायर डी रेज टू 5। ओके, अब इसमें थोड़ी ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो ये जो 32 एफ इंटू एल अपॉन जी पाई स्क्वायर है, और ये पूरा डी रेज टू 5 है, तो आप देखेंगे इसको मैं, ठीक है, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ू एक चीज बताना चाहूंगा, तो आप देख रहे हैं कि जो हेड लॉस है, ठीक है, हेड लॉस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, लेंथ, देन योर डायमीटर और एक फ्लो रेट। ओके, चलिए, तो अब मैं क्या करूंगा, जिसको मैंने कवर किया है, मतलब जिसको मैंने कवर कर दिया है आपको, उसको मैं रिप्लेस करता हूं बाय द वैल्यू आर। हम थोड़ी देर के लिए कह देते हैं कि हाँ, आर हम किसको बोल रहे हैं, दिस इज 32 एफ एल अपॉन जी पाई स्क्वायर डी रेस टू 5। तो ये हो गया हमारी आर की वैल्यू हो गई, हमने इसे रिप्लेस, वैसे भी अगर इसकी वैल्यू मालूम होती तो कोई एक नंबर आता, वो नंबर को हम यहां पे लिख देते, समझ गए, एक पर्टिकुलर पाइपलाइन के लिए यहां पर आर की वैल्यू रहेगी। क्लियर हो गया? सो देयरफॉर योर क्यू स्क्वायर, तो याद रखिएगा, अगर आपका फ्लो टर्बुलेंट है, अगर आपका फ्लो टर्बुलेंट, आपको बुकों में ऐसा फॉर्मूला दिखेगा, एच एफ यानी कि हेड लॉस एक पाइपलाइन के थ्रू अगर निकालना है, तो ये लगभग कुछ ऐसा फॉर्मूला दिखेगा, रेज टू एन। तो अगर आपका फॉर्मूला मीन्स आई मीन से कि अगर आपका फ्लो जो है टर्बुलेंट है, तो यहां पर जो एन की वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, दिस इज योर 2। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो एक्चुअल आपका फॉर्मूला ये है, मगर याद रखिए
कि ये जो हेड लॉस का फॉर्मूला है ये सिर्फ एक सिंगल पाइपलाइन के लिए, मगर हार्डी क्रॉस मेथड ने क्या बताया है कि जब आप एक सिंगल नेटवर्क को एनालाइज करते हैं, ठीक है, तो सपोज अगर मैं इस नेटवर्क को एनालाइज करता हूं जो है ट्रायंगुलर नेटवर्क, यानी कि लूप भी बोलते हैं, कभी कभी लूप भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये गोल गोल नेटवर्क ही है, ठीक है। अब इस नेटवर्क में देखेंगे आपको, ये बड़े नेटवर्क में आप दो नेटवर्क में डिवाइड कर सकते हैं, एक ट्रायंगल है एबीसी, यानी कि एक लूप है एबीसी और दूसरा लूप है एडीसी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। या नेटवर्क मीन्स जंजाल, लूप मीन्स जंजाल, किसका, पाइपलाइन का, ठीक है। तो अब मैं ये बोल रहा था कि हमने जो हेड लॉस लिखा है, ठीक है, तो मैं अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में आ जाऊंगा, क्योंकि हमें मालूम है हमारा फ्लो टर्बुलेंट है, तो कहने का मतलब है कि हेड लॉस फ्रिक्शन की वजह से पाइपलाइन के अंदर दिया जा सकता है आर क्यू स्क्वायर, क्लियर हो गया ये, ओके। तो अब क्या देखना है कि ये जो हेड लॉस है ये सिंगल पाइपलाइन के लिए है, मगर हार्डी क्रॉस मेथड में क्या आया है, या हार्डी जी ने क्या बताया, हार्डी क्रॉस जी ने, उन्होंने बताया है कि जब आप एक सिंगल नेटवर्क को एनालाइज करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि इस सिंगल नेटवर्क को हमने जो नेटवर्क चूज किया है हमारा ट्रायंगुलर नेटवर्क है, ठीक है, इसमें कितनी पाइपलाइंस है, तीन पाइपलाइंस है, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका जो हेड लॉस होगा अगर हम तीनों पाइपलाइन का लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए तो हम कैसे लिखेंगे, सपोज मैं तीनों पाइपलाइन का लिखता हूं, तो ये जो हेड लॉस है मैं तीनों पाइपलाइन का लिख रहा हूं, यानी कि ए बी सी लिख देता हूं, तो कैसे कैसे लिखूंगा, दिस इज योर हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, पहले ए बी पाइपलाइन के लिए, ओके, दूसरा हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन बी सी पाइपलाइन के लिए, ओके, नेक्स्ट हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन फॉर योर किसके लिए, ए सी पाइपलाइन के लिए, तो ऐसे लिखूंगा। तो जब आप एक लूप को जो पाइपलाइन का है या फिर एक नेटवर्क को जो पाइपलाइन का नेटवर्क है उसको एनालाइज करते हैं, तो जो हेड लॉस तीनों पाइपलाइन के लिए लिखेंगे या फिर कितनी भी नंबर ऑफ पाइपलाइंस होंगी उस नेटवर्क में, तो वो कैसा लिखेंगे, आपको जस्ट क्या करना है, यही फॉर्मूला लिख के, ठीक है, आप जैसा कि आपको मालूम है कि आप ऐड कर रहे हैं, अगर और ज्यादा पाइपलाइन होती तो मैं प्लस डॉट 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 और फिर लिख देता एच ऑफ जो भी मतलब जो लास्ट पाइपलाइन होती, ठीक है, तो वो लिख देता था। फिलहाल मुझे नहीं मालूम है, हम जो नेटवर्क एनालाइज कर रहे हैं उसमें तीन ही पाइपलाइन है, इसलिए मैंने क्या किया है, समेशन किया है। तो मैं फाइनली इस फॉर्मूले को कोई भी लूप, मैं एक बार वापस रिपीट करूंगा, कोई भी लूप उसमें एन नंबर ऑफ पाइपलाइन हो सकती है, तो उन सब का जो हेड लॉस है मिला के कैसे लिखना है, आपको जस्ट एड करना है, तो दैट मीन्स यू हैव टू डू समेशन। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। तो ये जो हमारी इक्वेशन आई है, फिलहाल मैं लिख देता हूं दैट समेशन ऑफ हेड लॉसेस, तो ये जो हेड लॉस है ये पूरी तीनों पाइपलाइन का है, वो कैसा लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, अगर हमने यहां पे सम लिया है तो डेफिनेटली ये भी तो वैल्यूज ऐड हो रही होंगी, तो ये भी इसका भी सम आएगा, तो दिस वन आर क्यू स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल अब हम चलेंगे हमारी, अब देखेंगे इसमें हमें इक्वेशन में कैसे घुसना है अंदर, क्लियर गया, ओके। अब सपोज मैं ये जो हमारा ये मींस रेक्टेंगुलर नेटवर्क है इसके बारे में बात नहीं करूंगा, सबसे पहले हम सिंपल नेटवर्क की बात करेंगे, ठीक है, ये तो जस्ट समझाने के लिए था कि नेटवर्क तो कैसा भी टाइप का हो सकता है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए मैं एक बीसी पोर्शन यहां पे ले लेता हूं, कितना लूंगा मैं, एक पाइपलाइन लेता हूं बीसी, क्लियर हो गया, ओके। अगर आप देखेंगे हमने जो अज्यूम किया था, आप एक चीज में याद रखिएगा कि स्टार्टिंग में जब भी हार्डी क्रॉस मेथड अप्लाई किया जाता है, ठीक है, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि सपोज अगर 90 एंटर हो रहा है तो जो निकलना वाले वाला इस मोड नहीं बोलूंगा, एक्चुअली ये नोड है, जंक्शन है, पॉइंट है जहां पे पाइपलाइन आके मिलती है, अगर इस बी पॉइंट पे, जॉइंट पे, नोड पे, ठीक है, या जंक्शन पे 90 फ्लो रेट एंटर हो रहा है, तो याद रखिएगा जितना एंटर हो रहा है उतना बाहर निकलना भी चाहिए, यानी कि 60 प्लस 30 बाहर निकल रहा है, क्लियर हो गया। दूसरी जगह देखिए, अगर 50 यहां पे निकल रहा है तो 60 में से 50 निकल गया, ऊपर जा रहा है 10, क्लियर हो गया ये, ओके। तो ये जो एरोज है जो मैंने लगा के रखी है रेड कलर से, इसको फिर भी मैं थोड़ा ब्लैक कलर से बता देता हूं कि ये फ्लो रेट जा किधर रहा है, ठीक है, अगर आप देखेंगे 30 इधर जा रहा है, 10 इधर जाता है, तो डेफिनेटली 40 बाहर निकलेगा। तो याद रखिएगा कंटिन्यूटी इक्वेशन जरूर सेटिस्फाई करें, ठीक है, ओके। दूसरी चीज, अब मैंने ये तो जो फ्लो रेट लिखा हुआ है ये अज्यूम्ड फ्लो रेट है, तो एक काम करूंगा मैं यहां पे वैल्यू प्रोवाइड करूंगा कि अगर जब भी आप अज्यूम करते हैं फ्लो रेट को, तो उसको डिनोट करना है Q0 से। तो फिलहाल मैंने किससे क्या वैल्यू लिखी है, ओके, 60, ओके, मगर ये तो मैंने अज्यूम की है और मुझे मालूम नहीं कि जो मैंने अज्यूम किया वो सही है भी या नहीं, क्लियर हो गया ये, ओके। मगर जो एक्चुअल वैल्यू थी इस बीसी पाइपलाइन के अंदर फ्लो रेट की,
वो मुझे बाद में पता चली जब क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, वो पता चला कि यार इधर तो एक्चुअल वैल्यू 80 ही कितनी थी, 80 थी, तो मैं उसको जो एक्चुअल वैल्यू थी उसको क्यू से डिनोट करूंगा, दैट इज योर 80, समझ गए? ओके, तो अब मैं देखूंगा कि डिफरेंस कितना आया। देखिए ये तो मैंने स्टार्टिंग में जब मैं ट्रायल एंड एरर मेथड कर रहा था, पहला आइट्रेशन, पहला अजम्पशन, पहला अप्रोक्सीमेशन, मैंने क्या अज्यूम कर लिया 60, मगर एक्चुअली जब बाद में मैंने सही निकाल लिया होगा, बाद में देखा और लास्ट में आया कि भाई इधर बीसी पाइपलाइन में 80 का फ्लो रेट था, तो अब चेंज इन फ्लो रेट कितना आया था हम कैसे निकालेंगे, तो दिस जो चेंज इन फ्लो रेट है वो मैं कैसे निकालूंगा, दिस इज डेल क्यू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, डेल क्यू मीन्स चेंज इन फ्लो रेट, तो कैसे आया 80 माइनस 60, क्लियर हो गया? ओके, तो ये जो डेल क्यू है, अगर आप देखेंगे 80 कौन है, हमारा क्यू है, क्लियर हो गया? ओके, दिस इज क्यू माइनस 60 कौन है, क्यू जीरो है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो इसमें से अगर मेरे को क्यू की वैल्यू निकालनी है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये माइनस क्यू जीरो को उस साइड ले लेता हूं, डेल क्यू प्लस योर क्यू जीरो, तो क्या मैं आपके ओरिजिनल फ्लो रेट को ऐसा नहीं लिख सकता? ओरिजिनल फ्लो रेट कितना था, 80, एक बार वापस रिपीट करूंगा, ये जो मैंने बीसी पे वैल्यूज लिखी हैं, ये अज्यूम्ड फ्लो रेट थी, ये अज्यूम्ड फ्लो रेट को मैं क्यू जीरो बोलूंगा 60, ओके, मगर मैंने देखा जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो मेरा जो एक्चुअल फ्लो रेट आया वो 80 था, ठीक है? फिलहाल इसको समझने के लिए मैं सबसे पहले ही ले लेता हूं कि जो एक्चुअल फ्लो रेट था, जो असल में फ्लो रेट था इस पाइपलाइन के, ठीक है, वो 80 था, तो हमने देखा कि चेंज इन फ्लो रेट कैसे आया, दिस इज 80 माइनस 60, फॉर सिंपल है, 80 कौन था, हमारा कैपिटल क्यू, जो एक्चुअल फ्लो रेट था, सही में फ्लो रेट चाहिए, जब पाइपलाइन एकदम ओके डिजाइन हो जाएगी, जब हार्डी क्रॉस मेथड एकदम सक्सेसफुली आपका अप्लाई हो जाएगा, तो यहां पे एक्चुअल फ्लो रेट ही आपको लास्ट में मिलेगा, ठीक है, और स्टार्ट करेंगे आप अज्यूम कर करके, ठीक है? तो आप देखिए क्यू दैट इज कैपिटल क्यू, एक्चुअल फ्लो रेट 60 कौन था, क्यू जीरो, तो अगर आपको एक्चुअल फ्लो रेट निकालना हो तो इसको तो यहां भेजेंगे, तो कहने का मतलब है कि ये जो एक्चुअल फ्लो रेट है क्या हम इसे ऐसा नहीं लिख सकते? वापस देखिए, जो भी आप अज्यूम करते हैं 60, देखिए यहां पर आप कैसा लिख रहे हैं, ठीक है, जो भी आप अज्यूम करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब नेटवर्क आपको सिर्फ क्या मालूम रहता है कि एंट्री पे कितना फ्लो रेट निकल रहा है, आउटलेट में कितना फ्लो रेट निकल रहा है, ए नोड पे 40 निकल रहा है, मगर क्या आपको अंदर की वैल्यूज मालूम है? नहीं मालूम। ओके, तो आपने जो अज्यूम किया, देखिए इस फॉर्मूले के तहत आपने जो अज्यूम किया, मैं यहां पर लिख देता हूं 60, समझ गए? ओके, और डेल क्यू क्या है आपका, ये चेंज इन फ्लो रेट, तो जो फ्लो रेट कितना चेंज आया था, अब आप देख रहे हैं कि ये कितना है डेल क्यू, दिस इज योर 20, ओके, तो कहने का मतलब है दिस इज योर 20, तो सही में आपका क्यू की वैल्यू आपको मिलती है, ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आप देखेंगे जैसे जैसे आपके अजम्पशंस नजदीक जाते जाएंगे, क्या नजदीक जाते जाएंगे, किसके, एक्चुअल फ्लो रेट के, देखिए आपका अजम्पशन पहला 60 था, ओके, और चेंज इन फ्लो रेट 20 था, मगर आप देख रहे हैं एक्चुअली में फ्लो रेट जब हमें नहीं मालूम था, एक्चुअली में वो निकला 80, तो जैसे जैसे आप नजदीक आते जाएंगे 60 से अज्यूम करते करते एक्चुअल फ्लो रेट की तरफ, आपका ये जो डेल क्यू है ये जीरो की तरफ प्रोसीड होगा, और जब जीरो की तरफ प्रोसीड होगा तो दैट मीन्स वहां पे हमें हार्डी क्रॉस मेथड को बंद करना और वही हमारे एक्चुअल फ्लो रेट होंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि धीरे धीरे डेल क्यू तो खत्म होता जाएगा ना, क्योंकि जैसे जैसे आप नजदीक बढ़ेंगे, सपोज मेरी डेस्टिनेशन कहीं यहां पर है, सपोज ए पॉइंट पे, ठीक है, मैंने अज्यूम किया कि मैं अभी बी पॉइंट पे हूं, मगर मुझे नहीं मालूम कि कितनी दूर जाना है, किसी और को मालूम होगा, तो मैं ट्रायल एंड एरर मेथड करूंगा, ठीक है, तो पहले देखा मैंने क्या मुझे मंजिल मिल गई, नहीं मिली, ठीक है, ओके, तो फिर मैं अब थोड़ा और पास जाऊंगा, ठीक है, क्या मुझे मंजिल मिल गई, तो आप देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है ओरिजिनल पॉइंट से रिड्यूस होता जा रहा है, सी तभी भी मुझे नहीं मिली, मुझे पता लगा कि भाई अभी तक नहीं आई, फिर मैं क्या करूं और नजदीक जाऊं, तो एक टाइम आएगा कि ये जो चेंज आ रहा है आपका चेंज इन डिस्टेंस वो धीरे धीरे क्या होगा जीरो होता जाएगा, तो वैसे ही आपका डेल क्यू भी जीरो होता जाएगा जैसे जैसे आप नजदीक पहुंचते जाएंगे, ठीक है, तो मेरा ये कहने का मतलब था आपका, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, क्यू को कैन बी रिटन एज क्यू जीरो प्लस डेल क्यू, क्लियर हो गया ये? तो फिलहाल जो हमारी ऊपर इक्वेशन है इसको यूज करेंगे, जिसमें हमने एक पाइपलाइन के अंदर जो हमने इक्वेशन लिखी है कि जो पाइपलाइन के अंदर जो कितनी भी नंबर ऑफ पाइपलाइंस का जो हेड लॉस है उसका सम जो है हम कैसे लिखेंगे, आर दिस इज योर समेशन, इसका भी समेशन होगा क्यू स्क्वायर, ओके, तब आपको मालूम है क्यू को हम ऐसा लिख सकते हैं, तो फिलहाल मैं क्या करूंगा एच एफ इक्वल टू समेशन ऑफ आर, तो ये क्यू की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा, देयरफॉर दिस इज योर, मैं क्यू जीरो पहले लिखता हूं, प्लस योर डेल क्यू ओके होल स्क्वायर, अब आपको मालूम है ये ए प्लस बी होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, मैं यहां पे अच्छे से लिखूंगा
sorry, this is del r, means summation of r, this is q0 square plus your, this one, 2, dekhiye, a square plus 2ab, so a kya hai hamara q0, okay, then this is your del q, okay, plus your del q square. I hope aapko ye samajh mein aa gaya hoga. ओके okay. अब आप देखिए जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको कि जैसे जैसे आपका जो अप्रोक्सीमेशन है वो नजदीक आएगा आपके एक्चुअल फ्लो रेट के, समझ गए, जो भी आप अज्यूम कर रहे हैं फ्लो रेट वो आपके फ्लो रेट एक्चुअल फ्लो रेट के नजदीक आए, तो आप देखेंगे ये डेल क्यू धीरे धीरे जीरो बन जाएगा, फाइनली ये जीरो हो जाएगा. अगर आपका अजम्पशन एकदम सटीक मैच खा गया किससे, सेम केस सेम, यानी कि जो भी आप अज्यूम कर रहे हैं वो एकदम एक्चुअली मैच खा गया, तो ये डेल क्यू तो जीरो ही होने वाला है भाई, समझ गए. सपोज जैसे कि मैं बता ही रहा था आपको, एक्चुअली में फ्लो रेट मुझे नहीं मालूम था कि 80 है बीसी में, मैंने अज्यूम किया बीसी, तो डिफरेंस कितना हो गया, 80 माइनस 60 इज योर 20, तो ये है डेल क्यू, ठीक है, मगर इस टाइम पे जीरो नहीं हुआ, मगर मेरा अजम्पशन पहली बारी में सपोज एक्चुअली में 80 था और मैंने भी अज्यूम कर लिया 80 बाय डिफॉल्ट, तो डेल क्यू कितना हो गया, 80 माइनस 80 इज डेल क्यू इज जीरो. तो अगर हम बोलते हैं कि हमारा अजम्पशन सही रहा तो ये जो डेल क्यू है ये जीरो हो जाएगा, क्लियर हो गया. ओके तो फाइनली ये डेल क्यू जीरो हुआ, तो दिस हम कैंसिल कर सकते हैं, समीशन ऑफ एच एफ इक्वल टू, तो एक काम करूंगा ये अगर जीरो हुआ तो फाइनली ये जो समीशन की वैल्यू है अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, दिस इज समीशन ऑफ आर क्यू जीरो स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ आर टू क्यू जीरो डेल क्यू, क्लियर हो गया. ओके अब दूसरी चीज मैं एक और बताना चाहता था, क्योंकि अगर आपका अजम्पशन सही रहता है, ठीक है, और आपका अजम्पशन सही हो गया और ये जो है आपका q0 q बन जाता है, तो आपका डेल q तो जीरो होता ही होता है, ठीक है. ओके दूसरी चीज मैं आपको जो ये बताना चाहता था इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि हाँ अगर आपका फ्लो रेट सही रहता है, क्या रहता है, फ्लो रेट सही रहता है, तो आप देखेंगे पाइपलाइन के अंदर जितनी भी पाइपलाइंस हैं उनका जो समीशन होता है आपका किसका, हेड लॉस का, वो भी अप्रोच होता है जीरो की तरफ. मेरा कहने का मतलब है कि देखिए अगर आप देखेंगे इस पाइपलाइन के नेटवर्क में, ठीक है, ये पाइपलाइन ऊपर जा रही है, एक चीज मैं इसमें बताना चाहता हूं, इसमें एक साइन कन्वेंशन लिया जाता है कि जो पाइपलाइन आपकी क्लॉकवाइज चलती है दैट इज विल टेक एज पॉजिटिव, ओके, और जो पाइपलाइन आपकी एंटी क्लॉकवाइज चलती है विल टेक इट एज नेगेटिव. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अगर आप देखेंगे एबी पाइपलाइन, एबी पाइपलाइन कुछ ऐसा बना रही है, देखिए ऊपर की तरफ जा रही है तो ऐसा पॉजिटिव, एसी पाइपलाइन इसका फ्लो ऊपर की तरफ है तो ये लगभग एंटी क्लॉकवाइज है तो ये नेगेटिव, ठीक है, और बीसी, बीसी इज योर अगेन एंटी क्लॉकवाइज तो ये भी नेगेटिव हो जाएगी. तो मेरा कहने का मतलब था कि जैसे जैसे आपका अजम्पशन करेक्ट की तरफ अप्रोच होता है, की तरफ आता है, तो आपको मालूम है जैसे कि मैं बता चुका हूं डेल क्यू तो आपका जीरो होगा ही होगा, साथ में आपका ये जो समीशन है आपका किसका, हेड लॉस का. अब इस नेटवर्क में तीन पाइपलाइन है तो तीनों पाइपलाइन का सपोज मैं एच एफ लिख देता हूं, कौन सी पाइपलाइन के लिए, एक ए बी के लिए, ओके. अब आप देखिए ए बी कौन सा ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव लूंगा, देन माइनस, ओके, देन योर एच एफ कौन सी पाइपलाइन के लिए, ओके, माइनस मुझे नहीं मालूम फिलहाल, मैं एक मिनट थोड़ी देर के लिए रुक जाऊंगा. ओके एच एफ मैं बीसी पाइपलाइन के लिए लिखता हूं, ओके तो ये जो हेड लॉस है बीसी पाइपलाइन का, मगर ये आपके एंटी क्लॉकवाइज प्रोसीड हो रहा है आपका फ्लो, तो ये नेगेटिव लगाया मैंने, ओके. नेक्स्ट पाइपलाइन कौन सी बाकी, एसी, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है तो ये भी नेगेटिव आएगा, तो देयरफॉर हेड लॉस ड्यू टू एसी, ओके, तो ये फाइनली ये भी जीरो हो जाएगा, तो समीशन ऑफ एच एफ इक्वल टू जीरो, ये होता है हमारा नेट हेड लॉस का समीशन, ठीक है, ये है हमारा नेट हेड लॉस. तो मैं यही चीज बोल रहा था कि अगर डेल्टा क्यू आपका जीरो की तरफ प्रोसीड होता है, क्लियर हो गया, कहने का मतलब है कि आपने जो फ्लो रेट अज्यूम किया है वो एक्चुअल फ्लो रेट को मैच करता है, तो ऑटोमेटिकली एक लूप में, एक नेटवर्क में आपका जो हेड लॉस है पूरी पाइपलाइन का, और वो भी साइन कन्वेंशन के साथ लेना है, वो भी जीरो की तरफ प्रोसीड हो जाता है. तो जैसा कि मैं ये बोल चुका हूं ये जीरो हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये जीरो हो ही जाएगा, तब आपकी जो डेल्टा क्यू होगी वो जीरो की तरफ प्रोसीड हो जाएगी, यानी कि चेंज इन फ्लो रेट, और आपको एक्चुअल वैल्यूज मिलेगी फ्लो रेट की. तो फिलहाल मैं इसको ऐसा लिखूंगा कुछ, डेल में समेशन ऑफ आर क्यू जीरो स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ आर टू क्यू जीरो इंटू डेल क्यू, क्लियर हो गया. फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूं, तो अब आप देखिए
इस इक्वेशन को अगर मैं इस साइड लेके जाता हूं तो दिस इज योर नेगेटिव योर आर क्यू जीरो स्क्वायर इक्वल टू दिस इज समेशन ऑफ आर टू दिस इज क्यू जीरो दिस इज ये जो क्यू जीरो आपको मालूम है क्या है क्यू जीरो इज अज्यूम्ड फ्लो रेट दिस इज योर डेल्टा क्यू. तो अगर आपको डेल्टा क्यू निकालना है ठीक है तो इन सब टर्म्स को नीचे लेके आ जाए तो दिस इज योर इक्वेशन जो आपको चाहिए थे दैट यू वॉन्टेड कि कैसे आप फ्लो रेट मीन्स चेंज इन फ्लो रेट निकालेंगे ठीक है. तो दिस इज योर आर टू क्यू जीरो. तो यही आपने एक्सप्रेशन देखा होगा कि हमें इसी एक्सप्रेशन को यूज करना है. तो ये था हमारा हार्डी क्रॉस मेथड कि हम कैसे निकालेंगे हमारा मीन्स नेटवर्क को हम सॉल्व करेंगे ठीक है. जहां पे आप देख सकते हैं तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे आपका डेल्टा क्यू जीरो की तरफ प्रोसीड होगा जहां पर आपका डेल्टा क्यू लगभग आपकी 0.02 आ गया या 0.2 आ गया 0.1 आ गया या फिर कभी कभी जीरो वैल्यू पार होकर हम नेगेटिव की साइड आ जाते हैं नेगेटिव 0.1 तो वहां पे आपको लगभग आपका मेथड बंद करना है और वही आपके फाइनल फ्लो रेट्स होंगे. और आप ये भी देखेंगे कि जब आप हेड लॉस निकाल रहे होंगे और उसका सम निकालेंगे तो वो लगभग जीरो की तरफ ही प्रोसीड होगा. वो एक्चुअली देखिए जीरो की तरफ तो प्रोसीड मैंने तो यही बोला है कि जीरो की तरफ ही होना चाहिए वो जीरो ही होना चाहिए ठीक है. मगर वो कुछ ऐसा दिखेगा कभी वो दिखेगा प्लस टू टू की वैल्यू आ रही है या फिर वो कभी दिखेगा आपको इवन 20 भी आता है इवन ठीक है. तो कभी कभी नेगेटिव भी चले जाता है. तो मैं ये बोल रहा था दैट आपका ये जो हेड लॉस का समेशन है ये जीरो की तरफ आएगा और हम नियर अबाउट इसको छोड़ देते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे डेल्टा क्यू में लगभग इतना कुछ खास चेंज नहीं आ रहा है ठीक है क्योंकि वो जीरो की तरफ ही प्रोसीड हो रहा है. तो जो फ्लो रेट की वैल्यूज होंगी सपोज अगर हम इसको करेक्ट करने जाएंगे यानी कि इक्वल टू जीरो बनाने जाएंगे इसको भी जीरो इक्वल टू जीरो तो फ्लो रेट में कुछ खास फर्क नहीं आएगा. सपोज यहां पर कितना है अब यहां पर एक्चुअली 80 था ठीक है तो आपको 80 तो एग्जैक्टली नहीं मिलेगा आपको मिलेगा 79.88 तो आप इतने पे छोड़ देते हैं क्योंकि ये वैल्यूज आपकी डेल्टा की ये जो वैल्यूज है ना दीज आर वैल्यूज ऑफ योर चेंज इन फ्लो रेट. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. तो अगर आप ऐसे ही कुछ वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज डू राइट अ कमेंट ताकि मैं ऐसे एजुकेशन वीडियोस आपके लिए हमेशा हर पल लेकर आता रहूं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.